बिस्मिल्लाहिर शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास सेवन्थ, आई एम नसीर अलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.5। तो बच्चों, इसका जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। इसमें आप देख लीजिए, सिंपलीफाई द फॉलोइंग बाइनोमियल बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसके हमारे पास जो टोटल हैं वो 10 इसके यानी के हिस्से हैं, 10 पार्ट्स हैं इसके। तो ये सारे के सारे जो है हमने आइडेंटिटी के मेथड से करने हैं। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, वो है जी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी, यानी कि इसको आपने ब्रैकेट में लिख लेना है, मल्टीप्लाई एक्स और प्लस ए मल्टीप्लाई बी। ये हर क्वेश्चन में आपने यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, बेशक वो प्लस वाला है या माइनस वाला है, जो मर्जी साइन हो, आपने आइडेंटिटी यही यूज़ करनी है। यहाँ पर देखिए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ये किसके इक्वल होगा, एक्स के प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स फिर प्लस ए प्लस बी। इसको आप अपने जो है जहन में इसको दोहराते जाए, यानी कि इसको आपने याद कर लेना अच्छी तरह, और इसका जो पहला पार्ट है वो आपका बिल्कुल फिर आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो है, इसको करने से पहले हमें सबसे पहले इसके नीचे ये आइडेंटिटी लिख लेनी है। तो सॉल्यूशन जब भी करना, आपने क्वेश्चन लिख लिया उसके बाद आपने सबसे पहले ये फार्मूला जो है इसका आइडेंटिटी का वो लिख लेना है। तो वो आप लिखेंगे जी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स और ए मल्टीप्लाई बी। ये लिखने के बाद आपने अब क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू आपने कैसे पुट करनी है, उसका मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कैसे आप करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आपने पहली वैल्यूज़ के नीचे लिखना है। यहाँ पर एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू जी, यानी कि जो x प्लस वन था उसको हमने x प्लस ए के नीचे लिख लिया, और जो x प्लस टू था वो x प्लस बी के नीचे आ गया। यानी कि आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वाली के नीचे, सेकंड को सेकंड वाली के नीचे। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर x है वहाँ पर तो x ही हम लगाएंगे। देखिए x की जगह पर x है, a की जगह पर हम वन लगाएंगे, और x की जगह पे फिर दोबारा देखिए x ही है, और b की जगह पे हम लगाएंगे टू। इनके आपने एक साइड पे लिख लेना है, x के पे हम x ही यूज़ करेंगे, और जो a है उसकी जगह पे वन, और जो b है उसकी जगह पे हम टू यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह फिर आपके लिए ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करना बहुत आसान हो जाएगा। इनके फार्मूले में जहाँ पर x होगा वहाँ पर आप x यूज़ करेंगे, जहाँ पर a होगा वहाँ पर हम वन यूज़ करेंगे, और जहाँ पर b होगा वहाँ पर हम टू यूज़ करेंगे। तो आप देखिए x वगैरह तो ये सेम ही आएगा, क्योंकि x पे हमने x ही यूज़ करना था। तो प्लस आ गया, a प्लस बी है, a पे वन यूज़ करना है और b पे टू यूज़ करना है, a पे वन b पे टू। उसके बाद मल्टीप्लाई x है, तो x पे हम x ही यूज़ करेंगे, ये आ गया हमारे पास सेम। उसके बाद प्लस a प्लस बी है हमारे पास, तो a पे हम लगाएंगे वन और b पे हम लगाएंगे टू। ये दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम वो साइड तो सॉल्व नहीं करेंगे, अगली साइड आपने अब इसकी सॉल्व कर लेनी ये वाली। तो एक्स स्क्वेयर हमारे पास सेम आ गया, टू और वन हमारे पास हो गए थ्री, थ्री मल्टीप्लाई एक्स थ्री एक्स हो गया, प्लस टू वन आर टू। तो जी बच्चों, ये ही जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। उसमें हमारे पास है एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फोर, क्वेश्चन नंबर टू है इसका। अब हमारे पास एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फोर, इसके नीचे भी सबसे पहले आपने आइडेंटिटी लिख लेनी है। जो फार्मूला आपको पहले लिखवाया था, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ पर आप देखिए, x प्लस ए है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे x माइनस टू, एक्स प्लस बी है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे x माइनस फोर। इनके फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के नीचे, सेकंड को सेकंड के नीचे,
अब पूरे फार्मूले में आप देखिए, जहाँ पर x है वहाँ पर तो हम x ही यूज़ करेंगे, a पे आप यूज़ करेंगे 2 और b पे सॉरी माइनस 2 और b पे यूज़ करेंगे माइनस 4, x पे x ही लिखेंगे, a पे माइनस 2 और b पे माइनस 4, यानी कि जिसका साइन जो होगा प्लस वाला तो प्लस यूज़ होगा, माइनस वाला होगा तो माइनस वाला यूज़ होगा, ठीक है जी। अब देखिए x पे x यूज़ किया तो एक्स स्क्वेयर आ गया, प्लस a पे आप लिखेंगे माइनस 2, b पे लिखेंगे माइनस 4 और बाहर x पे आप x यूज़ करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4। अब यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वेयर सेम आ गया तो माइनस माइनस हो गया, प्लस 4 2 6, प्लस माइनस 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 6 आ गया हमारे पास। इसको ज़रा दोबारा देख लीजिए आप, पहले इन दोनों को आप प्लस करिए, माइनस 4 और माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 2 में 4 प्लस कर लें 6 हो गया, साइन बड़ी वाला जो यूज़ हुआ माइनस 6 आ गया था हमारे पास, और माइनस 6 को इस प्लस से चेंज कर लिया, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 6 आ गया। अब यहाँ पर ये एक्स इसके साथ ही आ जाएगा, उसके बाद आप ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो साइन दोनों के क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। देखें माइनस माइनस प्लस, 4 टू ज़ा 8 और 8 आ गया और प्लस 7 ये वाला आ गया हमारे पास जी। दोबारा ये देख लीजिए आप यहाँ पे, यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और दोनों नंबर प्लस भी हो रहे हैं, जब आपने इनको करना है प्लस तो साइन बड़ी वाला यूज़ करना है, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। तो ये जो है इसका हमारे पास आ गया बच्चों आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए एक्स ए प्लस 5 ए प्लस 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका हमारे पास ए प्लस 5 और ए प्लस 3, ए प्लस 3 यहाँ पर भी आपने सेम वही, पहले सबसे पहले फार्मूला लिखना है, आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स और प्लस ए मल्टीप्लाई बी। अब देखिए पहली वैल्यू नीचे आपने लिखनी है ए प्लस 5, दूसरी के नीचे दूसरी वैल्यू लिख लें ए प्लस 3। तो एक्स की जगह आप देखिए ए यूज़ करेंगे हम, एक्स पे हमने यूज़ करना जी ए, और ए पे हमने यूज़ करना 5 और बी पे हमने यूज़ करना 3। देखिए दोबारा एक्स की जगह पे ए आ गया, ए की जगह पे आ गया 5, एक्स की जगह पे ए ही है और बी की जगह पे हमारे पास आ गया 3। तो ये वैल्यूज हमने अब यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एक्स स्क्वायर है मतलब कि ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है, ए पे 5 बी पे 3, इस एक्स को चेंज कर दें ए में तो 5 मल्टीप्लाई 3, तो ए स्क्वायर 3 और 5 हमारे पास हो गए 8 प्लस 8 ए प्लस 3 5 था 15। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी हमारे पास हो गया सॉल्व। अब इसके अगले क्वेश्चन हैं वो करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है इसका अब 1 जो है उसका पार्ट नंबर 4 है। तो क्वेश्चन लिखा है जी हमने बी प्लस 6 और बी माइनस 9, पहले उसके नीचे सेम वही आइडेंटिटी लिख लेनी है आपने। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए एक्स की जगह पे बी यूज़ करेंगे, ए की जगह पे 6 और बी की जगह पे हम माइनस 9 यूज़ करेंगे। तो एक्स की जगह पे हमने बी यूज़ करना है, ये बन जाएगा जी बी का स्क्वायर, आगे प्लस ए पे हम लिखेंगे प्लस 6, बी पे लिखेंगे माइनस 9, तो ब्रैकेट बंद हो गई। ए एक्स पे हमें लिखना है जी बी, उसके बाद ए पे हमने यूज़ करना है 6 और बी पे यूज़ करना है माइनस 9। तो इसका अब देखिए हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी बी स्क्वायर, तो 6 में से जो है माइनस 9 में से 6 जो है ये प्लस वाला है, तो प्लस माइनस माइनस तो 9 में से 6 माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई बी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3b। उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस 6 9 आर
54। तो जी बच्चों ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है ये करते हैं। तो 2x + 3 2x - 7 है, सेम वही आइडेंटिटी जो है नीचे हमने सेम लिख लेनी है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है। पहली वैल्यू के नीचे आप पहली भी लिखेंगे 2x + 3 2x - 7। एक्स पे आप यूज़ करेंगे 2x। देखिए 2x का स्केयर एक्स पे 2x यूज़ करना है, ए पे 3 और बी पे -7। तो प्लस लगाएं, ए पे आप लिखेंगे 3 और -7 बी पे आ गया। एक्स पे आप लिखेंगे 2x प्लस ए पे 3 आ गया और बी पे आ गया -7। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास इसका क्या आंसर बन रहा है, 2 2 4। अब ये जो है हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है। पहले जब भी हम क्वेश्चन करते रहे सिंगल वैल्यू आती रही है, जब डबल वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपने उसको ब्रैकेट में लगा के स्केयर लिखना है। अब आपने जो स्केयर है वो 2 का भी लेना है और x का भी स्केयर लेना है, 2 2 4 और एक्स स्केयर। उसके बाद 7 में से 3 माइनस करें तो -4 आ जाएगा, -4 प्लस माइनस माइनस। देखिए ये हमारे पास आप आ गया जी -4 और अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x साथ। ये स्टेप आप अभी ऐसे लिख लेंगे, इनके पास आपने इधर इन दोनों को माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, 7 में 3 माइनस कर तो -4 आ गया। अब 2x साथ लिख लें उसके, यहाँ पर आप देखिए अब प्लस माइनस माइनस, 7 3 21 -21। उसके बाद जी 4x² सेम आ गया, -4 2 8 तो 8x आ गया -21। तो जी बच्चों ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। सेम ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। अब क्वेश्चन है और नीचे वही आइडेंटिटी हमने यूज़ की है, x पे आप देखें 2y आ जाएगा, a पे आ जाएगा 1, x पे 2y और b पे आ जाएगा 5। x पे हम लिखेंगे 2y का स्क्वायर प्लस a पे हम लिखेंगे 1 प्लस b पे हम लिखेंगे 5 और साथ इसके क्या लिखेंगे जी 2y x की जगह पे प्लस a पे 1 मल्टीप्लाई b पे 5। 2 2 4 y स्क्वायर प्लस 6 आ गया और 6 के साथ 2y आपने सेम लिख लेना है। तो इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5। अब इसका फाइनल आंसर आप देखिए 4y स्क्वायर प्लस 6 2 12y प्लस 5। तो ये बच्चों ये इसका हमारे पास बन गया आंसर। अब इसका सातवां का पार्ट है हमारे पास, वो देखिए आप 3b - 1 और 3b - 7। इसका भी फार्मूला हमारे पास वही है, x + a x + b इज इक्वल x² + a + b मल्टीप्लाई x + ab। तो x पे हम लिखेंगे जी 3b - 1 3b - 7 और यहाँ पर आप देखिए अब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आप x पे आप 3b लिखेंगे, a पे -1 और b पे -7। तो एक्स स्केयर हमारे पास है जी 3b, 3b का स्केयर बना दें प्लस a पे हम लिखेंगे -1 और b पे लिखेंगे हम -7 और x पे हम लिखेंगे 3b प्लस a पे -1 b पे -7 3 3 9 b स्क्वायर। तो माइनस प्लस हो गया -8 आ गया और -8 को मल्टीप्लाई करना है अभी 3b से, वो साथ ही लिख लें आप। तो ये भी आप देखिए -1 प्लस 7 1 7 प्लस 7 आ जाएगा, ये 9b स्क्वायर आ गया सेम, 3 8 24 24 b और प्लस 7। तो जी बच्चों ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब इसके 3 पार्ट रह गए हैं, वो करते हैं। तो जी बच्चों अब इसका पार्ट नंबर हमारे पास 8 है। तो इसका क्वेश्चन लिख लिया हमने, उसके बाद नीचे फार्मूला वही सेम। अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। देखिए x पे हम लिखेंगे 4x स्क्वायर आ गया, a पे हम लिखेंगे 5, b पे हम लिखेंगे 3, x पे फिर 4x आ गया, a पे हम लिखेंगे जी 5 और मल्टीप्लाई 3, b पे 3 आ गया।
अब इसका अब ले लें स्केयर जी, 4 4 16 एक्स स्केयर प्लस 3 और 5 हमारे पास हो गया 8, 8 सेम लिख लें और 4 एक्स इसका साथ ही आ जाएगा, 3 5 15 तो 16 एक्स स्केयर बिल्कुल सेम, 8 4 32 एक्स प्लस 15। ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, तो यहाँ पर सेम टू सेम ये आपने क्वेश्चन है उसके नीचे सेम टू सेम फार्मूला लिख लें और इसमें वैल्यूज आप पुट कर लें, इंतहाई आसान। अब आपको इसकी सही तरह समझ आ गई होनी है। एक्स पे आप लिखें 5y और उसका स्केयर लगा दें ऊपर, ए पे लिखें जी -2, बी पे लिखें +6, ए पे आ गया -2, बी पे आ गया +6 और x पे आ गया हमारे पास 5y प्लस a मल्टीप्लाई बी, ए पे हम लिखेंगे -2 और b पे हम लिखेंगे जी 6। उसके बाद 5 5 25 25 y स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, 4 6 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास बच गया जी 4 प्लस 4, प्लस 4 को y 5y से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 6 2 12 -12 25y स्क्वायर हमारे पास आ गया बच्चों सेम, 5 4 20 20y -12, तो ये इसका हमारे पास आंसर बन गया। लास्ट वन रह गया हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10, तो ये भी इंतहाई आसान है। क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके नीचे हमने फार्मूला लिख लिया। अब फर्स्ट के नीचे आप फर्स्ट वैल्यू लिख लें और सेकंड वाली के नीचे आप लिख लें जिसकी सेकंड वैल्यू। एक्स के नीचे आप देखिए 8a आएगा, 8a स्क्वायर प्लस a पे आप लिखेंगे जी 7 और b पे लिखेंगे -3, 7 -3 8a और प्लस a पे लिखेंगे आप 7 और b पे लिखेंगे -3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखें 8 8 64 a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करें तो बच गया हमारे पास प्लस 4, 4 को अब 8a से बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस तो 7 3 21, 64a स्क्वायर प्लस 4 8 32a -21 जी बच्चों, ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके पार्ट थे हमारे पास टोटल 10, तो वो 10 के 10 मैंने आपको करवा दिए हैं और आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बना दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो उसमें यह है कि आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो वो डायरेक्ट ही यूट्यूब, तो चलो लेटर रिप्लाई आपको मिलता है, व्हाट्सएप पे मैं आपको थोड़ा जल्दी इसका रिप्लाई ज़रूर दिया करूँगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।